अब तालियों से स्वागत करें मैडम कांता जी का। मैडम कांता जी नारी गौरव है, अभिमान है, नारी की रचना की अभिधान है, हमारा नतमस्तक के परिणाम है। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और आप सभी का सादर सम्मान से नमस्कार करती हूँ। आप सभी को और सारी खाप के मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को यहाँ आने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ के खाप के प्रधान श्री धर्मपाल कंडेला जी, श्रीमती सुनैना जी, श्रीमती सोनिया जी, श्रीमती सुदेश कंडेला जी, श्रीमती सुमित्रा देवी जी, श्रीमती संतरो जागलान जी, श्रीमती अंशुरा जी, श्रीमती राजबाला धनाना जी, श्रीमती सुदेश गोयत जी, श्रीमती पूनम मरणपुर, श्रीमती पूनम पात्र जी, श्री रामपुर कुंडू जी, श्री टेकराम कंडेला जी, श्री बहादुर सिंह जी, प्रोफेसर दयानंद जी, मास्टर करणवीर लोचन जी, इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसने नदियों को सींचा है, बंजर मिट्टी में पनप कर मृत्यु से हमने खुद को सींचा है। पत्थर पर लगी इबारत नहीं हम शीशे से कैसे तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं हम तुम हमको कब तक रोकोगे। जितने जुर्म तुम कर नहीं सकते उतने सहने की हमारी आदत है, दानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। सागर से भी गहरे हैं कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे तुम हमको कब तक रोकोगे। सबसे पहले मैं मेरी बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि ये महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। 111 साल पहले करीब करीब महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था अमेरिका में, तब तक महिलाओं को वहाँ पे वोट डालने का अधिकार नहीं था। दूसरा एक बहुत बड़ा भेदभाव वहाँ ये होता था कि महिलाओं को जो भी अगर मान लो कोई महिला टीचर लगी हुई है और एक पुरुष ही टीचर लगा है तो पुरुष को महिला से दुगुना वेतन, उससे ज्यादा वेतन मिलता था, सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला है, उसको पुरुष से नीचे वेतन रखा जाता था वेतन के लिए। तो तब महिलाओं को समान अधिकार दिया गया था कि हर चीज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार। इसी उपलक्ष्य में हम 8 तारीख को हम साल ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। सृष्टि की रचना से लेकर आज तक महिलाओं ने हमेशा ही एक अहम भूमिका निभाई है, चाहे वह माँ बनकर, पत्नी बनकर, बहन बनकर या बेटी के रूप में। नारी ने अपने अदम्य साहस, परिश्रम, बुद्धि व दूरदृष्टि से विश्व में एक अनूठी पहचान बनाई है। मैं कंडेला में यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी खापों को नमन करती हूँ, इन सभी ने मिलकर इस महान दिवस को अति महान व खास बनाया है। मैं महिला के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस महान दिवस को उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धियों से भरपूर सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ। आजकल लोग एक सशक्त महिला को पढ़ाई के साथ जोड़कर देखते हैं और ऐसी सोच के लोगों को समझाने का काम, अपनी ताकत का एहसास कराने का काम हमने किसान आंदोलन में किया है। अपना योगदान देकर हमारे बहनों ने, माताओं ने, आप सभी उतनी बधाई के पात्र हैं जितने हमारे भाई। इतनी निष्ठा के साथ आपने ये जंग लड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, ये हर दिन हर शक्ति का, हर एक उत्सव है इंसानियत का जिसका बिंदु महिला है। आप सभी आज यहाँ मौजूद है, आप ही हैं जो समाज और रोजमर्रा की जिंदगी में एक अच्छी सोच का संचार करती हैं। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि शक्ति का एहसास करवाना पड़ता है, लेकिन वो शायद इतिहास नहीं जानते। गुंजन सक्सेना से लेकर कल्पना चावला तक सभी ने अपनी शक्ति से अपने देश के लिए एक अलग छाप छोड़ने का काम किया है। युगों युगों से जब संकट आए महिलाओं ने आगे आकर अपनी भागीदारी से समाज को बचाया, फिर चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, जब सारे देवता हार गए युद्ध करके तो उन्होंने माँ दुर्गा से विनती की कि माँ दुर्गा आई
देश की रक्षा का काम कर रही है। वो कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ स्वयं ईश्वर वास करते हैं। मैं कहती हूँ कि हमारी पूजा मत करो, बस हमें आप अपना सम्मान, हमारा सम्मान हमें दो, हमारी इज्जत और सम्मान, समाज में एक स्थान चाहिए हमें, अपने साथ बराबरी का सम्मान, ये हमारा हक है। बहनों मैं तो बस एक बात जानती हूँ, नारी दो अक्षर, हिंदी में एक छोटा सा शब्द है दो अक्षर का, लेकिन नारी एक अपने आप में संपूर्ण सृष्टि है, अपने आप में जिसे धरती का है। बेटी उठ खड़ी होती है जब जाकर विजय होती है। बहनों आज ये बात समझने का वक्त है कि सपना आरती नहीं है हमारा, आप हम आपके साथ हैं हमेशा आपकी लड़ाई में। और अभी एक बहन में सुदेश गोयल जी ने एक बात कही थी कि एक गांव में अगर कोई बेटी पढ़ना चाहे और उसके माता पिता उसको उतनी अच्छी शिक्षा दिलवाने में आर्थिक तौर पर उतने मजबूत नहीं है तो सारा गांव मिलके उस बहन और बेटी की मदद करे। तो मैं कहती हूँ कि ये पहल हर गांव में होनी चाहिए, बहुत अच्छी पहुँच करूँगी। मैं अपनी बात बस यही खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही मैं आपको आज एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो अभी ये सरकार बुजुर्गों की पेंशन काट रही है तो मुझे लगता है कि हमें अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। तो बहनों अभी से कमर कस लो, अगर इस सरकार ने हमारे बुजुर्गों का सम्मान जीता तो हम फिर से उनके सम्मान के लिए फिर से लड़ाई करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।